हेलो अच्छो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दिस इज शुभम मिश्रा योर रीजनिंग एजुकेटर वेलकमिंग यू ऑल टू ऑली बोर्ड सो ऑली बोर्ड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेरी वेरी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सभी बहुत अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है आप लोगों की है ना बढ़िया चल रहा है सब कुछ पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है देखो अब तो कुछ दिनों में ही सारे एग्जाम्स हो ही रहे हैं बैक टू बैक और जो बच्चे कुछ हैं वो भी आ ही जाएंगे है ना बिल्कुल तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन से ठीक है विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन चलो देखो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है नंबर्स को यहाँ पर आपको नंबर्स को इंटरचेंज करना है अब पहला ऑप्शन जैसे आपको दे रखा पहले है पहले ऑप्शन में इक्वल्स टू फोर्टीन है छोटी सी वैल्यू है और इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करना है है ना सेवेंटी एट दो सौ सोलह को इंटरचेंज करना है मैं यहाँ पर टू हंड्रेड सिक्सटीन कर दूसो मैं सेवेंटी एट कर दूँ अब मुझे बताना ज़रा 216 माइनस 8 करेंगे तो 208 आ जाएगा 208 को आप 78 को 208 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा क्या डिवाइड होगा डेसिमल में वैल्यू है ये वो आपको लानी नहीं है कोई मतलब नहीं है इतनी बड़ी वैल्यू को इंटरचेंज करने का है ना सेकंड देखेंगे सेकंड ऑप्शन देखते हैं फोर्टीन एंड एट को इंटरचेंज करते हैं अब यहाँ पर और ही यहाँ पर एट आ जाएगा यहाँ पर फोर्टीन आ जाएगा ठीक है क्या ही चेंज हो जाएगा देर विल बी एनी चेंज देर विल बी नो चेंज आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ फोर्टी टू के अप्रोक्स आएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ थ्री थर्टी के अप्रोक्स आएगा एड किया सबसेक्शन किया एट तो नहीं आना है किसी भी कीमत पर दूसरा भी आपका चेंज हो गया ठीक है अब क्योंकि छोटी वैल्यू लानी है तो थोड़ा बड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें 78 एट एंड फोर्टीन को तो यहाँ पर कर दो 14 यहाँ पर कर दो 17 अब यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई तो देयर कुड भी पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ थोड़ी सी हमारी काम कर जाए देखो 168 को डिवाइड करेंगे 4 से ठीक है प्लस हम क्या करेंगे 216 है ठीक है डिवाइड बाय 14 इंटू में वन माइनस एट एंड देन इक्वल्स टू यू हैव सेवेंटी ठीक है कितना है आपके पास सेवेंटी है आपने ये करे फोटी वन जै फोर्टीन फोटीन को आप फोटीन में से एट माइनस करेंगे यू विल गेट सिक्स यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सिक्स मिलेगा सिक्स से इसको डिवाइड करोगे तो सिक्स थ्री जी एटीन सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स ठीक है इसको आप फोर से डिवाइड करेंगे फोर 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 टू जा तो बेसिकली ये फोर्टी टू प्लस यहाँ पर कितना हो गया थर्टी सिक्स हो गया और इक्वल्स टू तो सेवेंटी एट तो भाई आ तो गया आपका आंसर ये बन तो गया 78 है ना तो सेवेंटी एट इक्वल टू तो सेवेंटी एट ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है बिल्कुल जिंदाबाद करेक्ट आंसर है, है ना ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर है एब्सल्यूटली करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया चलो अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्विकली बी फॉम मंकी बीज के जो ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे स्वम बोलते हैं क्या बोलते हैं बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे स्वाम बोलते हैं और मंकीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं मंकीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं बताइएगा जरा वट यू कॉल मंकीज ग्रुप तो मंकीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे ट्रूप बोलते हैं आप लोग तो सुनते होंगे ना कि ट्रूप्स ऑफ मंकीज आर कमिंग मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप में ही चलते हैं एक तो बंदर अकेले इनको नहीं घूमते वो दिखेगा ऐसे आएंगे ना और ऐसे मतलब आतंक मचाते हुए आएंगे बिल्कुल भंडर मचा देंगे लोगों के बीच में तो ये ऐसे ही चलते हैं तो बीज के जो ग्रुप को आप स्ट्रॉम बोलते हैं एंड मंकीज के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं बच्चे ट्रूप बोलते हैं कैटल काफ फूल का क्या होगा कैटल का काफ है तो फूल का क्या होगा ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफ कैटल तो जो गाय होते हैं बैल होते हैं या फिर आ, वो होते हैं उनके बच्चों को हम क्या बोलते हैं काफ बोलते हैं बछड़ा बोलते हैं ठीक है गाय वगैरह के बच्चों को हम क्या बोलते हैं बछड़ा बोलते हैं तो फोल किसके बच्चों को बोलेंगे किसको बोलते हैं बच्चे हम घोड़े के हॉर्स के हॉर्स के बच्चों को क्या बोलते हैं बच्चे हॉर्स के बच्चों को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं फोल बोलते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल उपस्थित है तो बताना है आपका क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर का देखो आपको डी देखना है अगर आप देखेंगे जेड एंड टी देखो कैसे आगे बढ़ाए ये कैसे किस तरीके से हमारा आगे नेक्स्ट फॉर्म आया है ए आपका यहाँ से गायब हो चुका है सेकेंड फिगर में ठीक है इसमें ए है यहाँ पर क्या है बच्चे इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एफ है ए है जेड है डी है एक्स आ चुका है इंट्रोड्यूस ठीक है तो एक एक्स्ट्रा क्या हो गया हमारा एक्स इंट्रोड्यूस हो गया एस एस जा चुका है तो अगर हम इसका फॉर्मेट देखना चाहेंगे बच्चे देखिएगा ध्यान से इन दोनों को देखिएगा तो यहां पर आपने देखा एस आपका पहले मिडल में था फिर ये कॉर्नर पे चला गया डी आपका कॉर्नर पे आ चुका है टी मतलब टी और डी में बेसिकली क्या हो गया है ये दोनों ये ऊपर चला है और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर गए हैं ठीक है ए क्या आ गया जेड आगे चला गया है वी की जगह पर आपका ए आ गया है। ये दोनों में इंटरचेंज हुआ है इन दोनों में बट जेड आपका ऊपर चला गया वी की जगह पर ए आ गया है नेक्स्ट फिगर अगर हम देखेंगे ये दोनों देखें तो डी आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है एफ ऊपर चला गया है जैसे कि यहाँ पर हुआ था ठीक है तो डी और एफ में इंटरचेंज एफ नीचे आ गया डी ऊपर चला गया और ए आपका एक पोजिशन आगे चला गया जैसे यहाँ पर एस चला गया था एक पोजिशन आगे है ना अब इन दोनों में इंटरचेंज होगा तो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा बट ये वाला नीचे आएगा और हट जाएगा कुछ नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा वैसे ही अगले फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ पर जब इसमें क्या है चेंज होता है बटे यहाँ बच्चों यहाँ पर एफ है ना एफ तो ये हट जाएगा एफ आपका यहाँ पर चलाएगा आई होप सो की पिंक ये कलर दिख रहा है ठीक है और डी आपका क्या हो जाएगा बच्चे डी आपका ऊपर चला जाएगा बिल्कुल ये वाला जो कॉर्नर का फिगर है ये ऊपर चला जाता है एंड एक्स आपका मिडल में आएगा ठीक है यहाँ पर वी आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे जेड आ जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है डी एफ एक्स जेड ए ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना थर्ड इज़ योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखो करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे यहां पर जो एरोज हैं बच्चे आप देख रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना फर्स्ट फिगर में एरोज क्या है बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है यहां पर आप देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में है यहां पर फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में है फिर यहां पर सेम डायरेक्शन में तो यहां पर क्या आना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आना चाहिए ना एरोज तो यहां पे आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन फिर से यही स्टार्ट होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन एक इधर हो जाएगा मरून कलर यूज करते हैं हम एक इधर आएगा एक इधर एरो आएगा ठीक है बहुत बढ़िया और इसमें क्या चेंज हो रहा है कि ये ऑपोजिट हो जा रहा है ये ब्लैक हो जा रहा है फिर ये आया अगले फिगर में ऑपोजिट हुआ ब्लैक हुआ फिर ये सेम हो जाएगा फिर हुआ आ, से चेंज आपका तो ये ब्लैक हो गया ऑपोजिट हो गया अब अगले में क्या होगा भाई सिंपल स्ट्रेट हो जाएगा ये सीधा और ये वाइट ही रहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा है पहला आ, नहीं है ऑपोजिट तो नहीं है ठीक है दूसरा दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे में सब कुछ चीजें बट ये दोनों इंटरचेंज हो गया तो इसलिए दूसरा करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है है ना थर्ड इज योर एब्सल्यूट करेक्ट आंसर चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे आप दिस इज ट्वेंटी दिख रहा है ना हम्म hmm. देखो ये काफी इजी है देख के पता लग रहा होगा ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे नाइन और टू का तो कितना आएगा नाइन और टू का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा सेवन आएगा एंड सेवन का क्यूब कितना होता है बच्चे थ्री फोर्टी थ्री होता है, है ना बहुत बढ़िया अगला नंबर है आपका ये ट्वेल्व है सेवन ट्वेंटी नाइन है और कितना है बच्चे थ्री है दोनों का डिफरेंस कितना आता है नाइन आता है इफ यू विल डू क्यूब ऑफ नाइन तो आपको कितना मिलेगा सेवन ट्वेंटी नाइन मिलेगा यही चीज़ आपको देखनी है बाकी ऑप्शंस में तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा नाइनटी एट का फोर्टी नाइन्टी टू से डिफरेंस निकालेंगे छः आएगा और छः का क्यूब थोड़ी होता है फोर्टी नाइन <coughs> अब ये फोर तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है यूजलेस सिक्सटी सिक्स किसी का क्यूब नहीं होता है यूजलेस है फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है ट्वेल्व और सेवन का डिफरेंस निकालेंगे फाइव आएगा फाइव का क्यूब कितना होता है वन ट्वेंटी फाइव होता है ऑल राइट देखो सेवन हो गया दोनों का रेफरेंस निकालेंगे कितना आएगा फाइव आएगा और फाइव का क्यूब कितना होता है बच्चे वन ट्वेंटी फाइव होता है तो वन ट्वेंटी फाइव इज आवर एब्सल्यूटली करेक्ट आंसर है ना बहुत बढ़िया चलो अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज ऑर्गेनाइजेट मतलब कुछ आपको कोड दिया हुआ है ऐसे ही मैनेजमेंट का कुछ कोड दिया हुआ है रिसोर्स का कोड आपको बताना है कि व्हाट कुड बी योर द कोड फॉर रिसोर्स ठीक है देखो तो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे अगर हम बहुत ज्यादा बड़ा लिखती है यार तो जगह ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पर इसकी कोडिंग की गई है देखना तो अगर आप देखेंगे तो ओ आर जी तो आपका सेम ही है कोई चेंज नहीं हुआ है ओ आर जी में है भाई बिल्कुल भी सेम है ओ आर जी इज कम्प्लीटली सेम ए सेम ही है क्या कोड ओ माई गॉड देखो ओ आर जी है उसके बाद क्या है ए है और एन है यहाँ तक तो सेम है कोड आपका ठीक है एन आई तक कोड सेम है आपका एन आई तक कोड सेम है यहाँ तक आपका कोड सेम है डिफरेंस कहाँ से आ रहा है आपका यहाँ से डिफरेंस आ रहा है तो यही कोड यहाँ से पलट जाएगा ठीक है फिर ये एन है ओ है आई है फिर क्या है बच्चे टी है और ए है और जेड है मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में आपका छः तक में कोड सेम है एज इट इज जैसे अपना ऑर्गन ऑर्गेना ऑर्गनी लिखा हुआ है ऑर्गनी लिखा हुआ है ये सेम है आधे से आपका कोड क्या हो गया रिवर्स हो चुका है यही चीज़ मैनेजमेंट में भी हुई है कि जी तक ठीक था फिर टी से पीछे से रिवर्स हो चुका है तो अब हम रिसोर्स में भी वही काम करेंगे भाई रिसोर्स के साथ हम थोड़ी भेदभाव करेंगे है ना तो रिसोर्स में भी हम वही काम करेंगे कि हाफ ऑफ द लेटर हाफ ऑफ़ द लेटर अब क्या करोगे हाफ ऑफ द लेटर को आप सेम रखोगे जैसे कि आर ई एस ओ को हमने क्या कर दिया सेम ही रख दिया आर ई एस ओ को हम सेम रखेंगे डिफरेंस कहाँ से आएगा कि इसको हम रिवर्स कर देंगे ई e हो गया फिर सी हो गया फिर आर हो गया और यू हो गया तो दैट विल बी आर न्यू कोड फॉर रिसोर्स तो आर ई एस ओ सी ई ऑप्शन नंबर क्या है पहला पहला नहीं करेक्ट है आर ई एस ओ ई सी आर यू ऑप्शन नंबर क्या है आपका फोर्थ फोर्थ करेक्ट करेक्ट है है ऑप्शन इज योर आंसर ना फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग ये क्या है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है मिसिंग नंबर जो हर एक एग्जाम में आपके आता है सी में भी आ रहा है और आने वाले हर एक एग्जाम में आना ही आना है इससे आपकी कहीं ना कहीं नंबर पे जो पावर है जो नंबर पे आपकी पकड़ है ना वो चेक करता है एग्जामिनर कि कितने स्ट्रोंग हो आप नंबर्स को लेकर के है ना क्योंकि भाई आगे तो डेटा पे ही डील करना है आपको जॉब लगेगी तो जब भाई जॉब लगेगी तो डेटा पे कैसे डील करोगे इसी तरीके से तो डील करोगे जब आप नंबर्स पे स्ट्रांग रहोगे तो पता लगे कि कुछ ऐड करना है सबसेशन करना है कैलकुलेटर निकाल के लगे ऐड करने है ना चार लोग के बीच में <laughs> देखो तो यहां पर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चे ये इंटू टू है प्लस वन है फिर यहां पर देखेंगे तो ये दिस इज इंटू टू प्लस वन दिस इज ऑल्सो इंटू टू प्लस वन तो यहां पर क्या हो जाएगा इंटू टू प्लस वन ही होगा इंटू टू करेंगे तो कितना हो जाएगा टू हंड्रेड सिक्स वन एड करेंगे टू जीरो सेवन तो टी टू जीरो सेवन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है ना चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं देखो करेंगे इसको देखिएगा क्या दिया है आपको क्या दे रखा है बच्चे एंड समब्लू आर जेड और कुछ डब्ल्यू क्या है जेड है सम डब्ल्यू आर जेड अब देखो यहां पर कंक्लूजन क्या दिया है सम समेड आर सम आर नॉट समब्ल्यू सम एक्स आर नॉट डब्ल्यू कह रहे हैं कुछ एक्स क्या है डब्ल्यू नहीं है तो क्या ऐसा कहीं भी आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है एक्स और डब्लू के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट में दिया है डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है कि हमें हम वी आर नॉट डेफिनेटली हम डेफिनेटली कह ही नहीं सकते कि एक्स और डब्ल्यू के बीच में कुछ एक्स जो है वो डब्ल्यू नहीं है तो पहला हो गया गलत नेक्स्ट है सम एक्स आर नॉट जेड अब कह रहे हैं कुछ एक्स क्या है जेड नहीं है तो ये भी पूरी तरीके से क्या है गलत है कुछ बच्चे सोचेंगे कि, कि कुछ एक्स जेड है अगर तो कुछ जो बाकी एक्स बच गया वो जेड नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है नेगेटिव जब तक आपका स्टेटमेंट नहीं बोलेगा ना कोई भी नेगेटिव चीज के बारे में तब तक आप नेगेटिव लगा ही नहीं सकते हो समझ रहे हो चलो तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना इधर फॉलो है ना ना तो पहला ना तो दूसरा कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करो तो इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज एनुअल का कुछ कोड दिया हुआ है अमाउंट का कुछ कोड दिया हुआ है एजेंडा का कोड आपको बताना है वॉट कैन बी द कोड फॉर एजेंडा है ना देखो एनुअल अगर यहां पर वर्ड देखेंगे हम ये सी है ये पी है ये आर है ये वाई है ये जी है और यह आर है ना चलो देखो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चे तो यहाँ पर क्या हुआ है प्लस टू हुआ है दिस इज ऑल्सो प्लस टू दिस इज प्लस फोर हो चुका है यहाँ पर तो ठीक है देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस फोर प्लस फोर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस सिक्स एंड देन प्लस सिक्स है ना प्लस सिक्स और प्लस सिक्स हो गया तो मतलब टू फोर सिक्स यही चल रहा है टू फोर सिक्स अब हमें अगले वर्ड में भी अपना यही करना है क्या वर्ड हमें दिया हुआ है अमाउंट को ऐसे कोड किया गया है, तो एजेंडा को आप कैसे कोड करोगे एजेंडा को आप कैसे कोड करोगे भाई ऐसे ही तो करोगे स्टार्टिंग के दो में आप प्लस टू करोगे फिर इसमें क्या करोगे प्लस फोर करोगे एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे प्लस सिक्स करोगे ठीक है कर लेते हैं देखो तो ए में प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा जी में प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा आई हो जाएगा ठीक है e ई में प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ जी हो जाएगा ठीक है एन में प्लस टू करेंगे तो पी हो जाएगा डी में प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा ए में प्लस टू करेंगे तो सी हो जाएगा तो सी आई जी पी एफ सी ऑप्शन नंबर क्या है आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका कुछ गड़बड़ हुआ है क्या लेट मी चेक सॉरी ये पी थोड़ी होगा प्लस फोर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा है ना तो ऑप्शन नंबर क्या है अरे 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 देखो मैंने इसमें भी दो ही जोड़ दिया है सॉरी तो यहाँ पर हम टू जोड़ेंगे तो ये जेड जे हो जाएगा और यहाँ पर सिक्स जोड़ेंगे तो ये जी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा है ना ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ योर एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर एलेवन करेंगे और इसका आंसर करेंगे देखो तो अगर आप ये देख रहे हैं बच्चे ये फिगर देख रहे हैं आपको इस चारों में क्या करना है फाइंड करना है कि, कि किस चारों फिगर में आपको ये वाला ऑप्शन गिवन है ठीक है ये रोटेशन इज़ नॉट अलाउड ऑलरेडी आपको दे रखा है कि आप रोटेशन नहीं कर सकते हो देखिएगा तो, अगर पहला फिगर देखेंगे तो ये चीज़ आपको दिख रहा होगा पहला फिगर में अगर आप देखेंगे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये वाला फ्लैग तो आपको दिख रहा होगा है ना लेकिन यहाँ पर जो है कि ये नेक्स्ट जो आपका ऐसे बना है ना वो पूरा नहीं बन पा रहा है तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है दूसरे ऑप्शन में भी देखेंगे तो सेम वही चीज़ है ठीक है ना सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर ये कट ऐसे जा करके नहीं लग रहा है इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन भी नहीं करेक्ट है थर्ड ऑप्शन देखें थर्ड ऑप्शन शायद है क्या थर्ड ऑप्शन में नीचे तक चला गया तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखना चाहें इफ यू कैन सी दैट कि थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज आवर एब्सल्यूटली करेक्ट आंसर तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है ना और ये ए पूरा बना है यहाँ पर ऐसे बन गया है तो फोर्थ ऑप्शन इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या रिलेशन है इनके बीच में जैसे देखिएगा एफ एच एफ एच एन जी एफ एच एन जी है एट मेक सब छोड़ो आप अगर एफ से एच जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं टू प्लस कर रहे हैं और यहाँ माइनस वन कर रहे हैं डब्लू है और जेड है और क्या है वाई है ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया बच्चे प्लस थ्री किया और यहाँ पर आपने माइनस वन कर दिया नेक्स्ट अगर हम देखिए एल ओ एन ठीक है तो एल से O जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं प्लस थ्री कर रहे हैं यहाँ पर माइनस वन कर दिया वेरी नाइस नेक्स्ट वील सी कि ए डी एन सी दिया है फिर से प्लस थ्री और माइनस वन तो बाकी तीन ऑप्शन में आप देख रहे हैं बच्चे प्लस थ्री माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है प्लस टू माइनस वन हुआ है सो दैट्स वाई दिस इज योर ऑड ऑप्शन ठीक है तो यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा अब यहाँ पर आपको कोडेड कह सकते हैं कि कोडेड ब्लड रिलेशन दे रखा है कि पी इन टू क्यू का मतलब क्या है पी इज अ मदर ऑफ तो इन टू का मतलब क्या है मदर है यहाँ पर मैं आपको साइड में लिख देती हूँ ठीक है एंड प्लस का मतलब क्या है फादर है और क्या है डिवीजन का मतलब क्या है बच्चों सिस्टर है बस इतना ही दे रखा है चलो तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए इज अ मेटरनल आंट ऑफ सी ए जो है बच्चे वो मेटरनल आंट है सी की मतलब ये ए है और ये मेटरनल आंट है सी की मतलब सी की कोई मदर होगी सी की कोई मदर होगी और उसकी सिस्टर कौन है ए है ये आपको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है ना देख तो देखते हैं किस ऑप्शन से आता है हमारा आंसर we will see that देखो तो a division b डिवाइड का मतलब क्या है सिस्टर a इज अ सिस्टर ऑफ b पहले से आपको पता लग रहा है कि a जो है बच्चे वो सिस्टर है b की जो कि हमें यही चाहिए था है ना और b प्लस का मतलब क्या अब b हो गया फादर c का ठीक है तो ये मैटरनल तो नहीं हो गई पैटर्नल सिस्टर हो गई कोई मतलब नहीं है पहले ऑप्शन का क्योंकि हमें मैटरनल सिस्टर चाहिए मतलब इसकी मदर की c की मदर की मदर सिस्टर ये अब C इंटू बी इंटू का मतलब क्या है कि C जो है वो बच्चे वो मदर है किसकी B की तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं अगर C मदर हो जाएगी B की तो A का रिलेशन तो कुछ रह ही नहीं जाएगा फिर अगला देखो A इंटू बी ए डिवाइडेड बाय B बी A इज अ सिस्टर ऑफ बी थर्ड ऑप्शन में क्या है A जो है बच्चे वो सिस्टर है B की A इज अ सिस्टर ऑफ B एंड B इज मदर ऑफ B इज मदर ऑफ C है ना तो यहाँ पर दिया है आपको तो ये क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी इसकी मदर है और ये इसकी सिस्टर होगी तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन टी वाई जी अगला है ब्लैंक है पी एस एम नेक्स्ट यू हैव एन पी पी एंड नेक्स्ट यू हैव एल एम एस ठीक है देखो तो यहां पर अगर हम देखेंगे P से N जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे P सिक्सटीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम माइनस टू कर रहे हैं N से L जा रहे हैं तो भी हम माइनस टू कर रहे हैं या तो आप इधर के साइड से बोलेंगे तो प्लस टू कर रहे हैं तो पहले वाले में तो आपको माइनस टू ही करना है ना पहले वाले में आपको माइनस टू ही करना है तो ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा बहुत बढ़िया चलो आगे चलते हैं वाई से आप देखो एस से आप पी जा रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया माइनस थ्री कर दिया और पी से एम गए तो आपने माइनस थ्री कर दिया तो y से भी आप माइनस थ्री करेंगे y से माइनस थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा v आ जाएगा है ना बहुत बढ़िया तो आर वी तो हमारा मिल गया हमें अब देखो m से p जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिर से प्लस थ्री किया यहाँ पर फिर से प्लस थ्री कर दिया तो भाई g में आप प्लस थ्री कर दोगे तो कितना हो जाएगा j हो जाएगा तो आर वी जे आर वी जे ऑप्शन नंबर क्या है आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है आपने क्या किया बच्चे पहले आपने माइनस टू किया देन आपने माइनस थ्री किया एंड देन आपने क्या कर दिया प्लस थ्री कर दिया तो ये था आपका लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन है ना चलो अगला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूँ, देख लेना क्या दिया है देखना ध्यान से देखना आई so आपको दिख रहा होगा यार क्वेश्चन चलो देखो देखते हैं क्या दिया है बी ए इज मदर ऑफ बी ठीक है हमें ये पूरी क्वेश्चन सॉल्व करनी है बता रहे आई जो है वो एन से कैसे रिलेटेड बस इतना ही बताना है तो आई स्टार का मतलब क्या है आई जो है बच्चे वो हस्बैंड है किसका आई इज हस्बैंड ऑफ जे आई इज अ हस्बैंड ऑफ जे जे हो गए इसकी वाइफ क्योंकि स्टार का मतलब वही था जे माइनस के माइनस का मतलब क्या है जे जो है बच्चे वो मदर है किसकी के की तो जे इज अ मदर ऑफ़ के के परसेंटेज का मतलब क्या है के इज अ ब्रदर ऑफ बी मतलब के जो है बच्चे वो ब्रदर है किसका के इज अ ब्रदर ऑफ एल के इज अ ब्रदर ऑफ़ एल है ना एंड एल डॉलर एम डॉलर का मतलब क्या है एल जो है बच्चे वो सिस्टर है किसकी एम की ठीक है एंड एम स्टार एन स्टार का मतलब क्या है कि एम जो है बच्चे वो हस्बैंड है किसका एन का एम इज अ हस्बैंड ऑफ एन एम इज अ हस्बैंड ऑफ एन ठीक है बहुत बढ़िया देखो अब आपसे पूछा कि आई कैसे रिलेटेड है एन से तो आई एन से कैसे रिलेटेड आई का जो uh, क्या है बच्चे बच्चे हैं ये तीनों के तीनों ठीक है और एन जो है वो आई के बेटे की पत्नी है तो ये क्या लगेगी उसकी क्या लगेगी आई जो उसका क्या लगेगा आई कैसे आई से बेसिकली पूछ रहा है कि आई क्या लगेगा एन का तो आई क्या लग रहा है बच्चों फादर इन लॉ लग रहा है क्या लग रहा है फादर इन लॉ लग रहा है ससुर जी लग रहा है ना क्या लग रहा है उसका फादर इन लॉ लग रहा है बहुत ही बढ़िया चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आंसर करेंगे इसका अगर आप देखेंगे तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ये है कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गिवन फिगर में बना हुआ है आपको बताना है ठीक है अगर मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर दूं आप लोगों के लिए तो देखिएगा पहला ऑप्शन अगर हम देखें पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये वाला फिगर जो है ये फिगर हमें यहाँ पर दिख रहा है ना कहीं ना कहीं ये वाला फिगर हमें दिख रहा है देखेंगे जरा अगर हम ध्यान से तो देखो ये वाला फिगर हमें दिख रहा है ध्यान से इस फिगर में देख रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वही फिगर हम देख सकते हैं ध्यान से अगर देखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से बारीकी से कि वही फिगर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है देखो ठीक है? है ना तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा डेफिनेटली करेक्ट आंसर है अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पर हमें बताना है सेलेक्ट द प्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर दैट विच दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी ऑर्डर तो आपको डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे ही अपीयर करते हैं वर्ड्स वैसे ही आपको बताना है ये क्वेश्चन तो आप लोग करते ही रहते हैं है ना ये क्वेश्चन तो आपका रोज का है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू वाइज तो थ्रेस थ्रेस थ्रेड बेयर थ्री यू थ्राइस एंड थ्रेड का आपको क्या करना है करेक्ट ऑर्डर लगाना है अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि कॉमन वाला हमेशा हटा दो रिमूव कर दो ध्यान ही मत दो एच टी एच आर पे तो आप ध्यान ही मत दीजिए डिफरेंस यहाँ से ई e से आ रहा है ई e है आई है ई e है ई e है अब ई e वाले में देखेंगे ई ए ई के बाद अगर ए है तो सबसे छोटा वही होगा फिफ्थ हो गया सबसे पहले अब इसके बाद अगर हम देखेंगे ई e के बाद क्या है डब्लू है एंड ई e के बाद ए फोर्थ अब देखो ई e के बाद ए के बाद टी है ना 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 यहाँ पर ए के बाद टी है ध्यान से देखो यहाँ पर ए के बाद टी है और यहाँ पर ए के बाद डी है तो पहले हम ए डी वाला लेंगे तो सेकेंड ऑप्शन आएगा देन वी हैव फिफ्थ ऑप्शन ठीक है उसके बाद हम देखेंगे थ्रू एंड थ्रेश तो थ्रेश को चूज करेंगे ऑब्वियसली फिर आपका आएगा थ्रू वाला एंड देन थ्राइश आएगा जिसमें आई आए आ रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका लास्ट हो जाएगा तो टू फाइव वन फोर थ्री ऑप्शन नंबर क्या है सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, है ना ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलो अगला क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर एटीन को देखो तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चे ये ऑप्शंस पुट करने हैं और सही आंसर बताना है अगर आप क्वेश्चन नंबर एटीन को देखिए ध्यान से तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट हम देखेंगे ट्राई करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको ज्यादा फास्ट कर सकते हैं हाउ कैन वी डू इट इन फास्ट वे फास्टर वे देखो पहला अगर इक्वेशन पुट करें यहाँ पर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाऊँ यहाँ पर डिवीज़न का साइन पुट करूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई है ठीक है फिर यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई है देन यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है और क्या है इक्वल्स टू है अब मुझे एक चीज देखो सिंपल सी चीज़ है ये इक्वल्स टू में टेन लाना है इक्वल्स टू में इतनी सी वैल्यू लानी है इतो सी वैल्यू अब क्या मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए <coughs> यहां पर तो ये मल्टीप्लाई होना ही नहीं चाहिए सीधी सी बात है मतलब कितनी भी बड़ी वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर रहे हो यहां पर देर शुड बी नो मल्टीप्लाई अगर आप इसको करेंगे ना ऐसे फोर्टी टू इंटू ट्वेंटी सिक्स ठीक है डिवाइड करेंगे आप इसको चौबीस से ठीक है तो ये गया बारह बार में और ये गया तेरह बार में ये अब कटेगा नहीं ये आएगा छः यहाँ पर यहाँ पर आएगा इक्कीस ठीक है फिर ये आएगा टू यहाँ पर और यहाँ पर आएगा सात फिर ये कटेगा ही नहीं देर शुड नो ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा देख रहे हो तो मल्टीप्लाय तो पहले ऑप्शन में हमें लाना ही नहीं है पहले ऑप्शन में मल्टीप्लाई हटा दूसरे में भी मल्टीप्लाई आ रहा है इसको भी हटाओ क्योंकि आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके आप इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं चौबीस से समझ आ रही है बात तो ये तो कोई मतलब नहीं है कि पहले में आपको डिवीजन नहीं होना चाहिए ठीक है पहले में हमारा डिवीजन नहीं होना चाहिए पहले दो ऑप्शन में ऐसे ही हम एलिमिनेट करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के डरना थोड़ी होता है यार उसके लिए सोल्यूशन निकालो आप अब देखो ये वाली वैल्यू है करते हैं इसको माइनस आ रहा है ठीक है ये होना चाहिए माइनस यहाँ पर प्लस होगा तो दैट वुड बी ऑल्सो गुड अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया ये डिवीजन आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया है ना और ये इक्वल्स टू है आपका अब मुझे एक चीज़ बताओ सिंपल सी क्या आप फोर को फाइव से डिवाइड कर पाओगे ऊपर से ये ब्रैकेट में है तो आपको अंदर ही इसको सॉल्व करना है इसको आपको अंदर ही सॉल्व करना है बाहर ला आप सॉल्व ही नहीं कर सकते है. अब अगर आप फोर को डिवाइड करेंगे फाइव से ठीक है तो क्या हो पाएगा ये क्या हो पाएगा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कोई मतलब ही नहीं है इसको करने का क्योंकि आपको ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया वेरी इजिली फोर्थ ऑप्शन बच गया हमारे पास यही होगा हमारा आंसर ये देखो माइनस ये हो गया प्लस ठीक है यहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीप्लाई ये हो गया आपका डिवीज़न ठीक है ये मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया ये इक्वल्स टू हो गया अब यही होगा हमारा आंसर देखो तो 42 है 42 में से यही सॉल्व करते हैं 42 में से 26 निकालोगे तो कितना बचेगा आपके पास छः बचेगा और एक बचेगा सोलह बचेगा क्या हाँ सोलह बचेगा सोलह प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चौबीस हो जाएगा है ना चौबीस हो जाएगा और चौबीस है और ये बीस है लास्ट ऑप्शन ही बचा है तो ये कैसे गड़बड़ हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका चौबीस चौबीस हो गया अच्छा पहले इसको हमें अंदर ही सॉल्व करना है ना इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा चालीस हो जाएगा ये तो ब्रैकेट में है और फिर ये डिवाइड बाय कितना है बच्चे? ट्वेंटी है और इंटू का फाइव है देन इक्वल्स टू आपका टेन है ठीक है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा ये बच गया चालीस चालीस को आप बीस से डिवाइड कर दीजिए और पाँच से मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना बीस से आप इसको डिवाइड कर दीजिए और पाँच से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दो बार में चला गया दो बार में चला गया फाइव टू जेन और इक्वल्स टू टेन तो टेन क्या आ गया आपका करेक्ट आंसर आ गया तो देखा हमने कितना स्मार्टली स्टार्टिंग कि के दो ऑप्शन तो के दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए हैं है ना चलो अगला क्वेश्चन करेंगे चलो देखते हैं इज इट विजिबल या देखो सम मोबाइल्स आर फ्लैट्स सम मोबाइल्स आर फ्लैट्स कुछ मोबाइल्स क्या हैं बच्चों फ्लैट्स हैं है ना ऑल फ्लैट्स आर टीवी सभी के सभी फ्लैट्स क्या हैं बच्चों टीवीज हैं एंड सम समीवीज आर प्लास्टिक और कुछ टीवीज क्या हैं प्लास्टिक हैं ठीक है, है. देखो तो अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि कंक्लूजन में दिया है सम मोबाइल्स आर टीवीज कुछ मोबाइल्स क्या हैं टी वीज हैं ये है मोबाइल ये है टीवी तो क्या दोनों के बीच में कोई कॉमन पोस्शन शेयर हो रहा है बिल्कुल हो रहा है कुछ मोबाइल्स क्या हैं बच्चों टीवीज हैं पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट नेक्स्ट है सम फ्लैट्स आर प्लास्टिक्स ये है फ्लैट और ये है प्लास्टिक तो क्या कुछ फ्लैट प्लास्टिक है प्लास्टिक है क्या कुछ फ्लैट पास प्लास्टिक है बच्चों बताइएगा ज़रा मुझे क्या कुछ कुछ फ्लैट प्लास्टिक है बिल्कुल भी नहीं है ये फ्लैट है ये प्लास्टिक है ठीक है अगला है ऑल प्लास्टिक आर टी कह रहे जो सभी के सभी प्लास्टिक हैं वो क्या है बच्चे टीवी वी हैं तो क्या पूरा का पूरा प्लास्टिक टीवी है नहीं है दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ठीक है कहा गया हाँ तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलो ये हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब यहाँ पर भी आपको सेवन और फोर को इंटरचेंज करना है और बताना है कि जो भी इक्वल्स टू में वैल्यू है वो कौन से ऑप्शन की करेक्ट है विच ऑप्शन इज करेक्ट है ना कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ये हमको बताना है तो चलो कर लेते हैं अब सेवन और फोर को यहाँ पर फोर कर देते हैं यहाँ पर सेवन कर देते हैं ओ माई गॉड तो फोर से हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे भाई हाउ इज इट पॉसिबल और कुछ इंटरचेंज करना है विच केन नॉट बी ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट बाय इंटरचेंजिंग गिवन टू नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता है ओके okay, भाई तो मैं कह दी थी किसमें से कौन सा करेक्ट नहीं हो सकता है चलो देखते हैं अब देखो एट को आप डिवाइड करेंगे सिक्स ठीक है इन टू यहाँ पर नाइन है और नाइन डिवाइड बाई फोर है माइनस सेवन है इक्वल्स टू ट्वेल्व है तो भाई इसको तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे है ना ये क्या ही है तो पहला तो आपका गलत है अब कौन सा नहीं करें कौन सा करेक्ट नहीं है तो पहला ही आपको मिल गया ना भाई पहला ही तो करेक्ट नहीं है पहला ही तो करेक्ट नहीं है यहाँ पर अगर हम सात और चार चेंज करें तो यहाँ पर चार हो जाएगा यहाँ पर सात हो जाएगा ये आराम से तीन से डिवाइड हो जाएगा छः दो बार में और ये हो जाएगा तो बत्तीस बत्तीस में आप क्या करेंगे आ, सेवन को ऐड करेंगे तो कितना तो हो जाएगा थर्टी नाइन हो जाएगा थर्टी नाइन में से टू एड करेंगे थर्टी सेवन हो जाएगा तो यही ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है, है ना क्योंकि यहाँ पर कोई आपका इस इक्वेशन को अगर आप चेंज कर बस ये बोला है कि सात और चार को किस इक्वेशन में आप इंटरचेंज करेंगे कि ऑप्शन गलत आएगा इक्वेशन uh, आपकी गलत आएगी तो पहली इक्वेशन आपकी गलत आ गई समझ आया देखो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे हमें करना है यहाँ पे क्या रिलेशन चल रहा है भाई छिया अठारह माइनस दो छ चौके चौबीस माइनस दो देखो वेरी सिंपल थ्री है यहां पर क्या दिया है आपको थ्री दिया है सिक्सटीन है एंड सिक्स है अब आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स करेंगे एटीन एटीन में से टू माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ना मिल जाएगा आपको सिक्सटीन सेम वैसे ही, यहाँ पर कितना है फोर है ट्वेंटी टू है और सिक्स है फोर है ट्वेंटी टू है और कितना है बच्चे सिक्स है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में से टू माइनस करेंगे यू विल गेट ट्वेंटी टू है ना तो यही काम हमें करना है फिफ्टीन और अगर ट्वेल्व और फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ट्वेल्व और फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी होगा दो माइनस करेंगे तो फिफ्टी तो आने वाला नहीं है पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा है ना पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया दूसरा देखेंगे सेवन एट ज़र सेवेंटी नाइन एट ज़र सेवेंटी टू और सेवेंटी टू में से टू माइनस करेंगे सेवेंटी तो दिस ऑप्शन इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नाइन इं एट कितना हो गया बच्चे सेवेंटी टू सेवेंटी टू में से टू माइनस करेंगे तो सेवेंटी आ गया तो सेवेंटी इज योर करेक्ट आंसर है ना बहुत बढ़िया चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ठीक है यहीं पर हम देखते हैं यहीं पर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो ध्यान से तो टी से वी आ रहे हैं तो आप प्लस टू कर रहे हैं वी से एक्स प्लस टू एक्स से जेड प्लस टू तो आगे प्लस टू करेंगे अगर यहाँ पर सब में प्लस टू प्लस टू हो रहा है ना तो जेड में प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तो बी हो जाएगा टी से एम गए तो आप क्या कर रहे हैं माइनस सेवन कर रहे हैं एम से टी जा रहे हैं तो प्लस सेवन कर रहे हैं फिर आप एफ से जेड जा रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पे देखो आप माइनस सेवन कर रहे हैं अच्छे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया बच्चे माइनस सेवन कर दिया फिर यहाँ पर आपने हुँ हु। यहाँ पर भी आपने माइनस सेवन कर दिया और यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया माइनस सेवन कर दिया तो अब वाई में से माइनस सेवन करोगे तो कितना होगा ट्वेंटी फाइव में से आप सेवन माइनस करेंगे तो दो अठारह का आर हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा है ना तो बी आर हो गया हमारा अब अगला ऑप्शन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन मतलब अगला ऑप्शन देखते हैं डी से एल जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे प्लस एट कर रहे हैं टी से एल से टी जा रहे हैं तो प्लस एट कर रहे हैं टी से बी जा रहे हैं तो भी प्लस एट कर रहे हैं तो अब बी में हम प्लस एट करेंगे तो कितना हो जाएगा जे हो जाएगा है ना नेक्स्ट हमारे पास क्या है डार्क कलर यूज करना पड़ेगा अब हमारे पास एस से पी माइनस थ्री पी से एम माइनस थ्री एम से जे माइनस थ्री तो जे से आगे आप माइनस थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा अब जी हो जाएगा तो बी आर जी जी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया और हमने यहाँ क्या क्या है सबसे पहले हमने प्लस टू किया फिर हमने क्या किया है बच्चे माइनस सेवन किया है फिर हमने प्लस एट किया है और फिर क्या किया है माइनस थ्री किया है सो दैट वाज आवर लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन ये था हमारा करेक्ट लॉजिक ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब यहाँ पर आपको क्या बताना है पासे में दो चित्र दिखाई दे रहे हैं और लेटर ऑपोजिट टू के ऑपोजिट टू के बताना है अब बताना ज़रा मुझे आपके पास कितने लेटर है टी पी के जी आर यू ठीक है तो के का ऑपोजिट टी और आर तो होगा नहीं ठीक है के का ऑपोजिट टी और आर तो होगा नहीं अब यहां पर टी कॉमन है यहां पर टी कॉमन है यहां पर टी कॉमन है ऐसे घुमा दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन में तो पहले में तो यहां पर टी है जी है और यू है अब यहां पर टी है ठीक है आर है और क्या है के है आपको किसका ऑपोजिट पूछा है के का ऑपोजिट तो के का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों यू हो जाएगा है ना के का ऑपोजिट क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर सेवन और वन सिक्सटी फाइव फोर्टीन ट्वेंटी और सिक्स हंड्रेड अब इसका क्या मतलब है देखो अगर आप देखेंगे चार है यहां पर कितना है बच्चे चार है सात है और वन सिक्सटी फाइव है ना वन सिक्सटी फाइव है तो कैसे आ सकता है ये दोनों तो ग्यारह हो गया और ग्यारह इंटू फिफ्टीन करते हैं देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 प्लस सेवन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 इंटू फिफ्टीन क्योंकि 50 टाइम्स है वन और एक बार और 15 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना दूसरा देखेंगे अगर हम ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी है एंड देन क्या है बच्चे है हमारे पास फोर्टीन है ट्वेंटी है एंड अगेन वी हैव सिक्स है ना देखते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा और तीस का मल्टीप्लाई हम कितने से कर रहे हैं चालीस हो रहा है सॉरी है ना चालीस हो रहा है तो चालीस इंटू फिफ्टीन करेंगे पंद्रह चौके साठ छः सौ हो तो गया ये बहुत ही बढ़िया अब सेम यही चीज़ हमें ढूंढना है सेम यही चीज़ हमें बाकियों में फाइंड करना है तो पहला अगर देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे ये फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी टू इंटू फिफ्टीन नहीं होगा कोई मतलब नहीं ठीक है तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया बच्चे ये ट्वेंटी फोर अगर ट्वेंटी फोर फिफ्टीन जो टू ट्वेंटी फ़ाइव नहीं होता है आप सभी को पता है क्योंकि फिफ्टी नाइन जा होता है ये अब ये दोनों को जिड़ देते हैं अगर थ्री है सिक्स है और कितना है वन थर्टी फाइव है ना थ्री है सिक्स है वन थर्टी फाइव है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे नाइन हो जाएगा और नाइन फिफ्टीन या फिफ्टीन नाइन जहाँ कितना होता है वन थर्टी फाइव होता है बिल्कुल होता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना बच्चों चलिए बच्चों तो ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर करना कॉमेंट करना प्लीज़ ठीक है चलो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय